जैंगड़ के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को प्रेस कीजिए और आने वाले वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। तो गाइस स्वागत है आपका टेक्निकल जांगिड़, मैं पंकज जांगिड़ आपका शियो पे स्वागत करता हूँ। सो गाइस लास्ट ट्यूटोरियल्स के हमने कोरल ड्रा के अंदर शेप टूल के अंदर जो बेसिक टूल है स्मूथ स्मीर, इनको देखा था। ट्वाइल को उसमें ऐड करना भूल चुके थे, तो आज के ट्यूटोरियल्स में हम ट्वाइल अट्रैक्ट रेबल और समुडल जो टूल्स बचे हुए हैं शेप टूल के अंदर वो सारे अपने देखने वाले हैं। सो गाइस इस ट्यूटोरियल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जिन यूजर ने मेरा टेक्निकल जांगिड़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले मेरे वीडियो जल्द से जल्द आपको मिलते रहे। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस 12 टूल को देखने के लिए सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, तो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं और इसके अंदर कोई कलर फिल कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल आपने देखा होगा, इस ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। अगर इसके अंदर जैसे आउटलाइन आपको ब्लैक शो कर रही है, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, अगर अपने जैसे क्लिक कर रहे हैं लेफ्ट क्लिक, तो देखिए इनसाइड का सारा कलर जो भी आप चाह रहे हैं वो चेंज हो रहा है। बट आप चाह रहे हैं आउटलाइन का जो कलर है आपके हिसाब से हो, तो जो भी कलर आपको आउटलाइन में करना है, यानी मान लो मैं ये रेड कलर आउटलाइन में करना चाहता हूँ, तो जो राइट क्लिक करेंगे जब आप, तो इसके आउटलाइन के कलर में चेंज जाएगा। यानी लेफ्ट क्लिक के द्वारा जो वेक्टर है हमने जो ड्रॉ किया है डिजाइन, उसके इनसाइड कलर फील होगा, राइट क्लिक से वेक्टर की जो भी आउटलाइन है उस पर कलर फील होगा। तो ये आपने देख लिया है। अब जो अपने देखने वाले जो टूल था ट्वाइल, इस पर हमें क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको mm बता रहा है ये साइज आप क्या रखना चाहते हैं, इतना बड़ा साइज रखना चाहते हैं या छोटा रखना चाहते हैं। आप जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है ये निब साइज, इससे आप निब का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप जितना करना चाहें। देखिए जैसे जैसे हम निब साइज छोटा कर रहे हैं तो इसका साइज कम हो रहा है, तो जैसे अपने इसको कम कर लेते हैं काफ़ी थोड़ा छोटा, ये बहुत बड़ा है। जो अपने टूल देखने वाले टॉय तो उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा छोटा रखना ज़रूरी है। इसको चलो अपने डायरेक्ट कर लेते हैं, ये 20 हो चुका है। देखिए 20 अपने कर दिया। उसके बाद जो ये ऑप्शन है रेट, तो ये इसकी स्पीड है। जैसे अपने इस पर क्लिक करते हैं, जैसे अपनों को लाइन के बीच में आके क्लिक करना है, जैसे आप देखिए ये आप क्लिक करेंगे जैसे इसके ऊपर, तो एक जो ट्वाइल बनेगा ये आपको इस टाइप का बनेगा। यानी आप इस टाइप का डिजाइन बनाना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्ट बनाएंगे शेप टूल के द्वारा तो काफ़ी टाइम लगेगा, बट इसके द्वारा थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब आप इसकी स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हैं, जैसे आप इसकी स्पीड इंक्रीज कर लेते हैं तो आप अगर देखेंगे तो जैसे आप क्लिक करेंगे कितना फास्ट हो रहा है। देखिए अगर अपने इसकी स्पीड कम रख रहे थे जो चीज़ ये बनी सेम टू सेम ये बन जाएगी, बट इसमें टाइम लगेगा। अब इसकी स्पीड जैसे अपने थोड़ी सी और फास्ट कर देते हैं, फुल जितनी स्पीड है उसकी इतनी कर देते हैं 100 कर देते हैं। जैसे अपने इस पर क्लिक कर रहे हैं देखिए कितना फास्ट हो रहा है और ये डिजाइन बन चुका है। और अगर इसकी स्पीड को अपने वापस कम करते हैं, एक बार कम करके इस पर क्लिक करते हैं और ये देखिए उस तरह डिजाइन बन रहा है, पूरा डिजाइन वो बन जाएगा, बट इसमें टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा लगेगा। एक इसको दोनों सेम टू सेम बने हैं, पर टाइमिंग जो अपने फर्स्ट वाला बनाया था इसकी स्पीड को इंक्रीज करके उससे टाइमिंग थोड़ी कम लगी थी। जो अभी देखा था वो हमारा एक काउंटर क्लॉकवाइज ट्वाइल था, अब जो अपने देखने वाले हैं वो है क्लॉकवाइज ट्वाइल। इस पर जैसे अपने क्लिक करेंगे तो जैसे ये देखिए गाइस थोड़ा सा वापस ऑब्जेक्ट को उसी पोजीशन में लाते हैं और अपने क्लिक करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है। ये दिस जैसे इस पर अपना क्लिक कर रखा था तो ये जैसे इधर की तरफ एक शेप ले रहा था और ये लेफ्ट और राइट, यानी अगर आपने ये सिलेक्ट किया है तो इधर की तरफ जैसे क्लॉक वाइज जो शेप बनेगा वो इधर बनेगा, और अगर आपने ये राइट साइड वाला सिलेक्ट कर रखा है क्लॉक वाइज तो जिस तरह घड़ी जैसे सीधा जिस तरह चलते हैं उस तरह बन जाएगा। तो भाई इसको आप समझ गए होंगे, इसके अंदर ये एक साइज हो गया है आपने देख लिया है, सेकेंड इसकी स्पीड है, थर्ड आप इनको ये चेंज कर सकते हैं। अब अपने देखते हैं नेक्स्ट टूल को, तो उसके लिए हम वापस उसी पोजीशन में आते हैं। नेक्स्ट टूल हमारा क्या है हम देखें तो नेक्स्ट टूल हमारा है अट्रैक्ट टूल। क्या होता है अट्रैक्ट टूल,
इसमें देखिए हर जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे जो भी हम टूल सेलेक्ट कर रहे हैं शेप टूल के अंदर, उसके प्रॉपर्टी माने एक जैसी सी है नॉर्मली। तो इसके अंदर सबसे पहले ये साइज आ चुका है, उसके बाद ये स्पीड आ चुकी है, थर्ड है जो ये पेन का प्रेशर आ चुका है, तो इसको अपन सेटने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए इसके ऊपर क्लिक करके इसको अपने बीच में लेके आना है, और ऐसे जैसे अपने क्लिक करेंगे, जैसे वापस करते हैं, इसकी स्पीड को पहले इंक्रीज कर देते हैं, इसके बीच में लाए हम, और जैसे आपने क्लिक किया ये देखिए इस तरह एक शेप बनेगा। जैसे अपने स्पीड उसकी फुल कर रखी है, जैसे स्पीड को अपने फुल रख लेते हैं और इसको प्रेस करके ड्रॉ करते हैं इनसाइड, ये देखिए इस तरह बन गया। और जैसे अपने स्पीड में कर रहे हैं, अगर आराम से कर रहे हैं तो ये अपना जो पॉइंट है ये अपने हाथ में रहेगा और अपनी जैसे मर्जी इसको ले जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ तक आ गया। अगर इसको मैं फास्ट स्पीड में कर रहा हूँ तो ये नहीं बनेगा, ये जैसे एक जितनी आप फास्ट करोगे उतना ये छोटा बनेगा। जैसे यहाँ से अपने फास्ट करके देखते हैं तो जैसे मैंने क्लिक किया तो कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा अंदर इनसाइड गया है, लेकिन इसको मैं सॉफ्ट करके कर रहा हूँ, यानी स्मूथली आराम से इसे इनसाइड कर रहा हूँ तो डिजाइन ड्रॉ हो रहा है। इसको आप बाहर की तरफ भी कर सकते हैं, जैसे आराम से बाहर की तरफ यहाँ से पकड़िए और बाहर की तरफ आराम से ले जाइए, ये डिजाइन बन जाएगा। इनके आपको काफ़ी जरूरत पड़ेगी इन डिजाइन को बनाने के लिए। सो ये टूल भी काफ़ी अच्छा टूल है, आप इनको सीखिए आराम से। इसमें आप कलर फिल करना चाहे कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी है आपका जो ऑब्जेक्ट का वो आप कर सकते हैं आसानी से। इस टूल के अंदर इतना ही है, आप स्पीड को इसी जो रेट है टाइमिंग इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसमें कुछ अलग नहीं है। उसके बाद अगर नेक्स्ट टूल को देखें तो नेक्स्ट टूल जो हमारा है वो है रैपल। रैपल को हम देखते हैं, उस रैपल को देखने के लिए हमें सबसे पहले हमें पोजीशन उसी पोजीशन में आना पड़ेगा जो हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारे पोजीशन आ चुकी है। अब देखिए सबसे पहले साइज है, उसके बाद स्पीड है, बाकी सब चीज़ वही है सेम टू सेम। अपने इस जगह कर्सर को लाते हैं और क्लिक करते हैं, देखिए बाहर की तरफ ये डिजाइन बन चुका, कर्व बन चुका है। अगर आप इस टाइप का कर्व बनाना चाहेंगे तो आपको शेप टूल के द्वारा बनाना पड़ेगा, लेकिन आप डायरेक्ट कोरलड्रॉ के अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी है ऑलरेडी आपको बना के दी गई है ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, बहुत जल्दी आपका काम हो जाए। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब देखिए आप चाहते हैं इसे बाहर की तरफ बन रहा है अंदर की तरफ बने, तो अगर आप इसको कर्सर को थोड़ा सा बाहर रखेंगे तो ये इनसाइड बनेगा, देख पा रहे हैं। जैसे ये आप देखिए मैंने इसको लाइन के ऊपर रखा है तो ये इनसाइड बन गया। अब मैं इसको लाइन के थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेता हूँ, बट लाइन के ऊपर हुआ नहीं था, ये लाइन के बराबर रह गया, थोड़ा सा बाहर करना पड़ेगा मुझे, बाहर करता हूँ, ये बाहर किया तो इनसाइड रहेगा, सॉरी गाइस, अगर आप बाहर करते हैं तो ये इनसाइड जाएगा, अंदर की तरफ करेंगे तो ये बाहर की तरफ जाएगा। तो गाइस आप समझ गए होंगे ये टूल किस तरह काम आता है। ये जो अपने इसके अपनों ने अट्रैक्ट टूल देख दिया, रेबल देख लिया है, अब थर्ड जो टूल है वो है, अब जो अपने टूल देखने वाले वो है समक टूल। तो इसके इसको देखने के लिए अपने जो पहले की पोजिशन है उसी पोजिशन पर आ जाते हैं। ये देखिए इसके अंदर आप इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, सबसे पहले अपने देखें तो आप ये प्रॉपर्टी है इसकी निब की, इसे इसका कम ज़्यादा साइज कर सकते हैं। उसके बाद अपने देखें तो ये है ये ड्राइंग कर, आप इस तरह की आप ड्राइंग कर सकते हैं नॉर्मली। आप देखिए सबसे पहले अपने देखें ये काम क्या आता है, तो इसको अपने कर्सर कहीं भी रखेंगे और इस तरह एक ड्राइंग करेंगे, यानी इस टाइप के आप डिजाइन बना सकते हैं। इसको इनसाइड जैसे कर सकते हैं, आउटसाइड कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहें आप डिजाइन आराम से बना सकते हैं। देखिए अब इसको अपने शेप इसके प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, साइज सेट कर लेंगे, उसके बाद जो आपको दिया हुआ है एक ऑप्शन जो है पेन की टिल, सबसे पहले अपने देखें तो ये एक क्लिप है, इसको जैसे जैसे अपने साइज बढ़ाएंगे तो ये राउंड होता जाएगा, बिल्कुल राउंड, जैसे आप इसको 100 कर देंगे, यानी अभी मैंने 64 किया तो ये देखिए कितना राउंड हो चुका है। और इसको अपने कम कर लेते हैं, अपने 50 कर लेते हैं एक बार, ये देखिए ये बिल्कुल ही अंडाकार हो चुका है। तो जो टूल है आपको दिख रहा है जो इसका फोर्थ ऑप्शन है पेन ब्रिंग, इसके अंदर क्या होगा, आप इसमें जितना एंगल सेट करेंगे
उतना वो रोटेट होता जाएगा, यानी आप इसे 45 डिग्री करेंगे तो 45 हो जाएगा, से आप इसे -45 करेंगे तो -45 हो जाएगा, यानी ये माइनस जैसे -45 नहीं एक्सेस करेगा ये गाइस, ये आपकी 45 से लेके अब धीरे धीरे जैसे आप इसे जैसे जैसे आप इसे रोटेट करेंगे आप रोटेट होते जाएगा, यानी आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं इसके द्वारा, और इसको ड्रॉ करने के लिए आप इनसाइड कर सकते हैं आउटसाइड कर सकते हैं, यानी अगर इनसाइड करेंगे तो इनसाइड की तरफ ये ड्रॉ हो जाएगा और आउटसाइड करेंगे तो आउटसाइड की तरफ हो जाएगा। और जो अपना फोर्थ ऑप्शन है गाइस, सो गाइस शेप टूल का जो अपना लास्ट ऑप्शन है वो है रोगन। तो इसके अंदर अपने देखें तो सबसे पहले अपने उसी अपने पोजिशन के अंदर आते हैं, तो पोजिशन में आने के लिए अपने कंट्रोल जेड का यूज लेंगे और वो अपने सेम टू सेम वो पोजिशन आ चुकी है। अब इसमें देखें क्या होता है, सबसे पहले अपने इसका साइज सेट कर सकते हैं, साइज सेट करने के बाद इसके अंदर ये जो स्पिक बनती है इसके अंदर आप कितनी स्पिक बनाना चाहते हैं उसके अंदर वो शेप दे सकते हैं, यानी अगर देखिए स्पिक क्या जैसे घास नहीं होती है क्या, आप इसके द्वारा घास टाइप की कुछ डिजाइनिंग कर सकते हैं, यानी जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए अपने तीन सेलेक्ट करके तीन बन रही है, अगर अपन छः कर देंगे तो इतनी सी जगह में छः बनेगी। ये देखिए और आपको इस चीज एक इसमें चीज बताने वाला हूँ, जैसे आपने ये छः बन चुकी है आप इसको आगे के अगर ड्रॉ करते जाएंगे तो ये और बनती जाएगी। बहुत ऐसा टूल है गाइस इसका बहुत यूज होता है, इसके अंदर अपने देखें ड्राई लाइन, इसके द्वारा आप वन सेकेंड आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं, इसके ड्राई लाइन को चेंज कर सकते हैं, तो अपने देखे देखें तो ये देखिए वन सेकेंड स्टार्टिंग से देखते हैं अपने ये देखिए इसको इनसाइड या आउटसाइड साइज बड़ा कर सकते हैं अपने इसका, और उसके बाद आप इसकी डिग्री है वो आप चेंज कर सकते हैं इसके द्वारा। सो गाइस आप शेप टूल के अंदर सारे टूल्स को समझ गए होंगे, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें ताकि और कोई अगर कोरल ड्रा सीखना चाहता तो इसके द्वारा सीख सके। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए टेक्निकल जाएंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले मेरे वीडियो आपको टाइम टाइम मिलते रहे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।